हेलो, मैं हूं विनय भट्ट, आपका होस्ट और आपका इंस्ट्रक्टर आपके इस कोर्स के दौरान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल के कोर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एक नए कोर्स के साथ। तो जो जो चीज़ आप इस कोर्स के दौरान पढ़ने वाले हैं, हम पहले उसमें गेट थ्रू के चलेंगे। तो आप पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज नेटवर्किंग, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं वो हम जानेंगे, हाउ डाटा इज मूविंग, डाटा कैसे मूव करता है वो हम जानेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, लैन वैन ये हम जानेंगे, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं ये हम जानेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडियम, गाड़ी टर्मिनेटेड मीडिया, व्हाट इज मॉडम, मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, डाटा एनकोडिंग क्या होती है, डाटा इनकैप्सुलेशन भी इसी के अंदर आता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है, और PDU प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या होती है। ये सारा कंटेंट है जो कि हम शुरुआत से लेकर आखिर तक इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक बेसिक बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता नेटवर्किंग के बारे में, और आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी नेटवर्क की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो अब आगे, सो वेलकम अगेन। तो इस टॉपिक पे हम जानेंगे अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में। और इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि हमारी पर्सनल लाइफ में और डेली लाइफ में नेटवर्किंग का यूज़ किया है, और व्हाट इज़ नेटवर्क और व्हाट इज़ नेटवर्किंग। ठीक, तो इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझने में आसान होगा। एग्जांपल इस तरह से है कि मान लीजिए ये एक कंपनी है ए। ठीक, अब इस कंपनी में डिपार्टमेंट है 15, और 15 डिपार्टमेंट को लगाने के लिए 15 CPU लगे हुए हैं। अब हर डिपार्टमेंट में अपना एक कंप्यूटर लगा हुआ है, और कंपनी को हमेशा प्रिंटआउट चाहिए होते हैं, तो प्रिंटआउट के लिए वो भागते हैं प्रिंटर के पास। तो अब अगर मान लिया जाए कि 15 के 15 डिपार्टमेंट में प्रिंटर लगवाने पड़े, तो हमें प्रिंटर भी कितने चाहिए होंगे, पूरे 15, हर डिपार्टमेंट में एक। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो गया? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही प्रिंटर लगाएं और 15 के 15 डिपार्टमेंट उस कंपनी के उसी प्रिंटर का यूज़ कर लें? हाँ, ये मुमकिन है अगर हम सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क में जोड़ें और उन्हें आपस में कनेक्ट कर दें, और उसी नेटवर्क से कनेक्ट कर दें एक प्रिंटर को, तो ये पेपर का प्रिंट मार सकता है इस नेटवर्क से होके। तो हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम एक प्रिंटर रखवाएं, उससे हमारा खर्चा बच सकता है, और ये काम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक, तो ये एक छोटी बात थी और मोटी बात थी समझने के लिए। तो पहले इस तरह से समझें, उसके बाद ये तो था कि नेटवर्किंग क्या होती है और क्या चीज़ें, एक कंसेप्ट, एक छोटा सा डेमो। तो जैसे ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, और ये एक डिवाइस है, और ये भी एक डिवाइस है, ये आपस में कनेक्ट है एक नेटवर्क से, तो हम इसे एक नेटवर्क बोलेंगे। और नेटवर्किंग वो प्रक्रिया या फिर वो टेक्निक या प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क क्या हुआ? डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर। और वहीं नेटवर्किंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है द प्रोसेस, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क का क्रिएशन करना कहलाता है नेटवर्किंग। और बहुत सारे कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अगर हम नेटवर्क में जोड़ें, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करें, ताकि अच्छा इंटरकनेक्शन क्यों चाहिए, मतलब ये डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं, ये इंटर कनेक्टेड हैं। और इससे क्या होता है, इससे हम रिसोर्सेस, फाइल, डाटा, इन सब का शेयर कर सकते हैं, इन सब की शेयरिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पे जो थी वो बच जाएगी, आपको बहुत ही कम संसाधन यूज़ करने पड़ेंगे, अब काम बिना उसके भी चल सकता है, कॉस्ट को बहुत कम कर देती है नेटवर्किंग, इसलिए यूज़ की जाती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है उसमें नेटवर्किंग बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन लेके आई है। मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो इस कोर्स के बारे में और इस वीडियो के बारे में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की। तब तक के लिए देखते रहिए और साथ जुड़े रहिए ग्लोबल कनेक्शन के साथ। मैं विनय भट्ट आपके साथ दोबारा अगली वीडियो में।